नमस्कार, निर्माल्य टीवी को स्वागत करुछि मुलिपिका। आसंतु देखिबा अर्थनीति हालचाल। 6.5% रे रेपो रेट अपरिवर्तित रखिला रिजर्व बैंक, मुद्रास्फीति नियंत्रण उपरे ध्यान। रेपो रेट 6.5% रे अपरिवर्तित रखिबा को भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी निष्पत्ति ग्रहण करितिबा कथा आज गवर्नर शक्तिकांत दास कहिछन्ति। सुधहार अपरिवर्तित रखिबा लागि 6 सदस्य विशिष्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एहाकु लगाई पंचम थर पई रेपो रेट 6.5% रे रखिबा लागि निष्पत्ति नेइछन्ति। देशर अर्थनीतिज्ञ माने मध्य रेपो रेट अपरिवर्तित रहिबो बोली अनुमान करिथिले। भारतीय रिजर्व बैंक रो गवर्नर शक्तिकांत दास कहिछन्ति, संप्रसारित हेउथिबा सामग्रिक आर्थिक विकास और स्थिति रो पुंखानुपुंख आकलन करिबा परे रेपो रेट 6.5% रे अपरिवर्तित रखिबाकु मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सर्वसम्मत क्रमे निष्पत्ति नेइछि। फळरे संप्रति स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% रहिबा सहित मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 6.5% रहिला। से आहुरी मध्य कहिछन्ति जे अभिवृद्धि सहित मुद्रास्फीति को समांतरल रखिबा उपरे ध्यान दिया जिवो। सहीपरि खाद्य सामग्री दर वृद्धि जोगु नवंबर डिसेंबर मासरे मुद्रास्फीति ऊर्ध्वगामी रहुथिबा कथा से सूचना देइछन्ति। चलित आर्थिक वर्षर द्वितीयार्धरे देशर आभ्यंतरीण कारबार भल चालिथिबा कथा जीडीपी अभिवृद्धि रु जणा पडुछि। एहा छडा डाक्तरखाना और शिक्षानुष्ठान गुडिक लागि यूपीआई पेमेंट लिमिट प्रति ट्रांजेक्शन पिछा 1 लक्ष रु 5 लक्ष टंका पर्यंत वृद्धि करा जायथिबा कथा से कहिछन्ति। मोबाइल रप्तानी 1,25,00,000 टपिब, 4,000 कोटी खेलना रप्तानी। गत वर्ष 90,000 कोटी टंकार मोबाइल फोन रप्तानी होइथिला। चलित वर्ष 1,25,00,000 टंकार मोबाइल रप्तानी हेबो बोली रेल ओ टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिछन्ति। से कहिछन्ति जे चलित वर्ष देशरे 4 कोटी टंकार मोबाइल उत्पादन हेबो। नुआ दिल्ली रे अनुष्ठित सम्मेलनी अवसर रे केंद्रमंत्री श्री वैष्णव कहिछन्ति जे पूर्वरु देश को खेलना आमदानी करा जाउथिला, किंतु एबे 4,000 कोटी टंकार खेलना विदेश को रप्तानी करा जाउछि। से कहिले देशर मोट रप्तानी उपरे 76,200 कोटी डॉलर रहिछि, सेथिरे सामग्रीर भार 45,300 कोटी डॉलर थिबा बेले सेवा रप्तानी 30,900 कोटी डॉलर रहिछि। खूब शीघ्र रप्तानी परिमाण 1,00,000 कोटी डॉलर रु अधिक हेबो। से कहिले 10 रु 15 वर्ष पूर्वे देशरु केवल पेट्रोलियम और चाउल रप्तानी होउथिला। 2022-23 रे 9,700 कोटी डॉलर रो पेट्रोलियम सामग्री, 1,900 कोटी डॉलर रो औषध, 1,200 कोटी डॉलर रो टेलीकॉम उपकरण, 1,100 कोटी डॉलर रो इलेक्ट्रिक मशीन, 800 कोटी डॉलर रो आलुमिनियम, 870 कोटी डॉलर रो गाड़ी, 400 कोटी डॉलर रो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण एवं 1,300 कोटी डॉलर रो लुहा और इस्पात रप्तानी होईछि। से कहिछन्ति जे संगठित नियुक्ति रे 2 गुणा वृद्धि घटिछि। पूर्वरु मासिक 6,00,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि होउथिबा बेले एबे ताहा 14-15 लक्ष रे पहुँचिछि। इतिमध्यरे वार्षिक संगठित नियुक्ति सृष्टि 70,00,000 रु वृद्धि पाइ 1 कोटि रे पहुँचिछि। वेदांत आलुमिनियम को ओडिशा सरकारक पक्षरु मिलिला श्रेष्ठ रप्तानिकारी पुरस्कार। भारतर सर्वबृहत आलुमिनियम उत्पादक वेदांत आलुमिनियम को राज्य सरकारक द्वारा प्रतिष्ठित ओडिशा राज्य रप्तानी पुरस्कार उत्सवरे सम्मानजनक श्रेष्ठ रप्तानिकारी पुरस्कार प्रदान करा जायछि। विगत 2 आर्थिक वर्ष 2020-2021 और 2021-22 रे वेदांत आलुमिनियम रो झारसुगुडा स्थित स्केल्टर प्लांट क्रमगत भाबे ओडिशार सर्वबृहत रप्तानिकारी भाबे उल्लेखनीय प्रदर्शन करिथिबारु एहि सम्मानजनक पुरस्कार प्रदान करा जायछि। ओडिशा सरकारक शिल्प एवं शक्ति मंत्री श्री प्रताप केशरी देव एहि सम्मानजनक पुरस्कार प्रदान करिछन्ति। कंपनी तरफरु परोक्ष टिकस विभाग मुख्य अशोक कुमार पात्र और प्रत्यक्ष और परोक्ष टिकस विभाग उपमुख्य करण कुमार अग्रवाल एहि पुरस्कार ग्रहण करिथिले। झारसुगुड़ा स्थित वेदांत आलुमिनियम को 2018-19 और 2019-20 आर्थिक वर्षरे भी एहि पुरस्कार मिलिथिला। ए संपर्क रे वेदांत आलुमिनियम व्यवसायर सीईओ सुनील गुप्ता तांको प्रतिक्रिया रे कहिछन्ति जे आमको सम्मानजनक श्रेष्ठ रप्तानिकारी पुरस्कार प्रदान करिथिबारु मु ओडिसा रो
मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक एवं रप्तानी प्रोत्साहन एवं विपणन निर्देशालय को धन्यवाद जनाउछि। वेदांत आलुमिनियम राज्यर जीडीपी निजुक्ति एवं जीवनधारणार गुणवत्ता क्षेत्र में यथेष्ट अवदान सहित राज्यर सामाजिक अर्थनैतिक उन्नति रे दीर्घ दिनर अंशीदार रही आसिछि। खाद्य सार एलपीजी रे अधिक व्यय 1,29,00,000 अतिरिक्त खर्च दाबी। आसंता वर्ष लोकसभा निर्वाचन एणु हातखोला व्ययरे कौनसी अवहेला न करिबाकु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परिचालित केन्द्र सरकार चाहन्ति। 2024-31 शेष होउथिबा 2023-24 आर्थिक वर्ष रे बजेट व्यय बराद बाहरे आउ 1,29,00,000 टंका खर्च करिबाकु सरकार चाहुछन्ति। सेथिपाई अतिरिक्त खर्च दाबी उपस्थापन करी संसदर अनुमोदन लोडा जाइथिबा जणा पडिछि। मोट 1,29,00,000 टंकार अतिरिक्त खर्च दाबीरु नेट खर्च दाबी हेउछि 58,338 टंका। सेथिरु सार सब्सिडी बाबदरे 13,350,000 टंका, एलपीजी सब्सिडी पाई 9,220,000 टंका एवं खाद्य सब्सिडी बाबदरे 7,020,000 टंका खर्च हेबो। प्रतिरक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त 15,000,000,000 टंका व्यय करने को सरकार संसदर अनुमोदन लोड़ी। मोट अतिरिक्त व्यय बरादर 71,000,000,000 टंका को संचय और अधिक राजस्व संग्रह जरिया भरणा करने को सरकार लक्ष्य रखिंट। पिज टमाटो दर बढ़ा जो भोजन थाली महंगा। अस्वाभाविक वर्षा प्रभाव में उत्पादन कम होबारु नवंबर में प्याज दाम 58% और टमाटो 35% बढ़ी। रोसई काम लगुवा यह दुई जिनिष महंगा होबारु नवंबर में उभय आमिष और निरामिष भोजन थाली यथाक्रमे 5% और 10% महंगा होई। क्रिसल पक्षरु जारी रिपोर्ट रे कहा जाइछि जे निरामिष तुलनारे आमिष थाली दाम कम बढ़िबार कारण हेउछि ब्रयलर कुकुड़ा दाम रे 1-3% पर्यंत ह्रास घटीला। आमिष थाली दाम रे ब्रयलर 50% भाग रही। निरामिष थाली महंगा हेबार अनेक कारण रही। प्याज और टमाटो व्यतीत डाली दाम रे 21% वृद्धि हेबारु निरामिष भोजन थाली दाम अधिक बढ़ी। नवंबर रे रेकर्ड संख्या गाड़ी बिक्री चलित वर्ष अधिक विवाह थिबारु तहार प्रभाव रे गाड़ी बिक्री आहुरी बढ़िबो। चलित वर्ष नवंबर रे देश रे रेकर्ड परिमाण रे गाड़ी बिक्री होई छि। आगामी दिन रे मध्य सही धारा बजाय रहिबो बोली अनुमान करा जाउ छि। चलित वर्ष 38,00,000 रु अधिक विवाह थिबारु तहार प्रभाव रे गाड़ी बिक्री बढ़िबो बोली सर्वभारतीय डीलर संघ एफडीए आशा रखि छि। एफडीए जारी करथिबा तथ्य अनुसार नवंबर रे 28,54,242 गाड़ी बिक्री होई छि। गत वर्ष नवंबर रे होइथिबा बिक्री तुलनारे एहा 18% अधिक। सेथिरु 22,47,000 दुई चकिया जान होइथिबा बेले 99,890 तीन चकिया 3,60,431 टी यात्रीवाही जान 61,969 टी ट्रैक्टर और 84,586 टी वाणिज्यिक जान रही। ट्रैक्टर और वाणिज्यिक जान बिक्री ह्रास पाइथिबा बेले आउ सबु प्रकार गाड़ी बिक्री बढ़ी। दुई चकिया बिक्री रे 21% और तीन चकिया 23% वृद्धि घटी। यात्रीवाही जान बिक्री 17.19% बढ़ी। एफडीए सभापति मनीष राज सिंघानिया कहिछन्ती जे दीपावली भली उत्सवर उत्साह और ग्रामांचलर आय बढ़िथिबारु दुई चकिया बिक्री रेकर्ड स्तर में पहुंचीला। पर्यटन में वृद्धि होउथिबारु बस बिक्री वृद्धि पाइछि बोली से कहिछन्ती। खबर को ये रखुछु। नमस्कार।